हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपको लेके चलूंगी एक ऐसी रेल यात्रा पर जहां पे गूंजती आवाजों के अलावा भी कुछ ऐसे सन्नाटे और खामोश चीखे सुनाई देती हैं और ये चीखे अपनी दर्दनाक दास्तां बताती हैं। भले ही इन रेलवे स्टेशन पे लाखों लोग सफर करते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सफर यहाँ पे हजारों सालों पहले आके हमेशा के लिए थम गया था, लेकिन वो लोग आज भी लोगों की जुबान पे कहानी बनके जिंदा है। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसे ही 3 अनसुलझे और भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में जहाँ पे आज भी लोगों को जाना मना है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है स्टेशन बेगून कोदर। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे आसपास के लोगों के कहने पे बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आज भी ना तो कोई कर्मचारी काम करने को तैयार होता है और ना ही कोई मुसाफिर यहाँ रहने को तैयार होता है। कहते हैं कि 1962 में पश्चिम बंगाल का एक गांव बेगून कोदर के लोगों के बार बार अपील करने पे वहां की सरकार ने ये रेलवे स्टेशन बनाया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहां के लोगों को भी रेलवे स्टेशन बन जाने के कारण सफर करने में काफी आसानी हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक वहां के रेलवे मास्टर को एक लड़की वहां के रेलवे ट्रैक पर भागती हुई दिखाई दी। और जब सुबह स्टेशन मास्टर ने ये बात अपने बाकी कर्मचारियों को बताई तो उन सब ने भी कहा कि उन लोगों ने भी एक लड़की को ट्रैक पे भागते हुए कई बार देखा है। लोगों ने बताया कि वो जो लड़की दिखाई देती है उसका इसी ट्रैक पे काफी वक्त पहले एक्सीडेंट हो गया था। ये सभी बातें सुन करके वहाँ के सभी कर्मचारियों ने अपना अपना ट्रांसफर वहाँ से करा लिया। कुछ ने तो ट्रांसफर करा लिया और कुछ लोगों ने तो नौकरी ही छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद ही स्टेशन मास्टर की भी मौत हो गई। उसके बाद जो भी स्टेशन मास्टर यहाँ पे आता उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता। धीरे धीरे यहाँ पे काम करने वाला कोई भी कर्मचारी नहीं बचा। वक्त बीतने के साथ ही साथ ये स्टेशन वीरान रहने लगा। यहाँ पे अब कोई ट्रेन ना तो आके रुकती और ना ही यहाँ पे कोई मुसाफिर रुकने को तैयार होता। ये सब देखते हुए इस स्टेशन को 1968 में ही बंद कर दिया गया, लेकिन 2002 में रेलवे मंत्री रही ममता बनर्जी ने फिर से इस स्टेशन को चालू करा दिया। लेकिन आज भी शाम के 5 बजे के बाद ना तो वहाँ पे कोई मुसाफिर रुकता है और ना ही कोई ट्रेन रुकती है। नंबर 2, पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है। इस स्टेशन से जो भी ट्रेन बिना रुके गुजरती है वो आगे जाकर के किसी न किसी हादसे की शिकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ के ट्रेन ड्राइवर कम से कम 2 मिनट के लिए ट्रेन रोक के और हॉर्न बजा करके मंदिर को सलामी देते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर किसी भगवान का नहीं है बल्कि क्रांतिकारी तांतिया मामा भेल का है। कहते हैं कि तांतिया मामा अमीरों से पैसे लूट करके गरीबों में बांट देते थे। ऐसे ही एक बार वो अनाजों से भरी हुई पूरी रेलगाड़ी लूट करके गरीबों में बांट दिए। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और तांतिया मामा को इसी रेलवे स्टेशन पे ला करके उन्हें गोली मार दी और उनकी लाश को जंगल में ही फेंक दिया। उसके बाद यहाँ पे कई बार रेल दुर्घटनाएं घटी। कई लोगों ने तो दावा भी किया कि उन लोगों ने तांतिया मामा की आत्मा को भटकते हुए देखा है। उसके बाद वहां के गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि तांतिया मामा के नाम का एक मंदिर बनवा दिया जाए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसके बाद मंदिर बना दिया गया और मंदिर बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि हादसे पहले से बहुत ज्यादा कम हो गए। तब से लेके आज तक यहाँ पे हर एक ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है और मामा को नमन करके ही आगे बढ़ती है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे और सबसे लास्ट नंबर पे है बरोक टनल नंबर 33 जो कि दिल्ली और शिमला के रास्ते में आती है। इस टनल की कहानी काफी दर्दनाक है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1898 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली से शिमला तक के लिए ट्रेन चालू करने के लिए प्लान किया था जो कि इस रूट की सबसे लंबी और गहरी टनल है। इसका काम अंग्रेजों ने अपने सबसे विश्वास पात्र और सफल इंजीनियर कर्नल बरोग कोदिया को दिया था। कर्नल बरोग ने काम जल्दी पूरा करने के लिए टनल का मेजरमेंट लेकर के आगे पीछे दोनों तरफ से खोदना शुरू करवा दिया, लेकिन जब खुदाई पूरी हुई तो आगे से खोदा हुआ
रास्ता और पीछे से खोदा हुआ रास्ता मिला ही नहीं। जब ये बात उनके मालिक को पता चली तो वो गुस्से में तिलमिला उठा और उसको काफी खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, जिससे परेशान होकर के उन्होंने इसी आधी खुदी टनल में अपने आप को गोली मार ली। बाद में अंग्रेजों ने दूसरे इंजीनियर से इस टनल का काम पूरा कराया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बरोक की आत्मा आज भी इस टनल में घूमती है। और इतना ही नहीं, कई लोगों का तो दावा भी है कि उन लोगों ने बरोक की आत्मा को देखा भी है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर करें।